हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका राणा व्लॉग्स। और आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से, क्योंकि सुबह मैं इतना बिज़ी थी कि मैं मतलब शूट नहीं कर पाई। एक्चुअल में आज थोड़ा सा लंबा सोने का मन था, तो सुबह ही मैंने दीदी को कॉल करके बोल दिया कि आज आप मत आना। जो हाउस हेल्प है उनको मैंने बोल दिया आप मत आना, क्योंकि वो आ जाती हैं 7:30 पे। तो मन था थोड़ा सा लंबा सो, वो 7:30 आ जाती तो बिस्तर छोड़ना ही पड़ता। तो मैंने नींद नींद में तो बोल दिया, पर बाद में उसका मुझे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हुआ कि मैं सुबह से बिज़ी रही। तो सुबह से वही घर के जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब, और ब्रेकफास्ट तो मेरा होता ही है बनाना, वो तो दीदी बनाती भी नहीं है। तो वो सब करते करते बहुत टाइम हो गया। और फिर आज मेरी जो खुद की बड़ी सिस्टर हैं वो, और उनकी फैमिली और छोटी सिस्टर घर आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि क्योंकि मैं निकल नहीं पाती तो मेरे को मन करता है कि हमारे ही घर कोई आता रहे तो अच्छा है। आज वो आ रहे हैं, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं, पर उन्होंने आना है लंच पे तो वो अभी पहुँचे नहीं हैं। मैंने लंच सारा प्रिपेयर कर लिया है, नहा धो के मैं रेडी हूँ, बच्चे तो मैं तो अब जाके नहा के फ्री हुई हूँ, और बच्चे तो सुबह ही नहा के मतलब वो तो पूरा नहा धो के रेडी थे, और वो अपनी मासी का वेट करते करते अभी सो गए हैं। तो मैं सोने भी दे रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो छोटी सिस्टर है वो स्कूल में टीचर है, तो बड़ी सिस्टर उसको पिक करते हुए आएंगी, तो उनकी छुट्टी अराउंड आई थिंक 2:15 पे होती है, तो वो उनको लेते हुए फिर हमारे घर पहुँचेंगे। तो बस उन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ, वो आ जाएँ तो फिर हम लंच भी करेंगे और कुछ गपशप भी करेंगे। बच्चे दिखाती हूँ मैं कैसे वो बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहे हैं, यहाँ दोनों मैट पे सो रहे हैं। मैंने घर में सारी लाइट्स ऑफ़ कर रखी हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दिन के टाइम पे ऑफ ही रहें लाइट, हर समय घर में लाइट लाइट मुझे अच्छी नहीं लगती। अभी जब तक दीदी और नहीं पहुँच रहे हैं तब तक मैं देख रही हूँ टीवी। बहुत दिन हो जाते हैं मुझे टीवी देखे हुए, तो और मुझे ओल्ड मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो जी क्लासिक पे बहुत अच्छी मूवीज़ आती हैं मेरे टाइप की। तो मैं बस अब मैं थोड़ी देर देखूंगी टीवी, तब तक दीदी और भी पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए, मैंने मन से चाहा कोई अच्छी सी मूवी आए, तो आ रही है सत्यम शिवम सुंदरम, और मेरे आ गए हैं मज़े। जब हम अनमैरिड थे तो उस टाइम पे संडे के दिन जब पापा की भी ऑफ होता था और हम तो छोटे छोटे होते थे, तो हम सब घर में संडे को बैठते थे। शुरू से हम फ्लोर पे बैठ के खाना खाते हैं, तो ऐसे हम सर्कल में बैठ के सारे, हमारा फैमिली बड़ी थी क्योंकि हम पांच भाई बहन हैं और एक, मतलब पांच बहनें हैं एक भाई है, छह भाई बहन हैं हम, तो हम सारे मूवी देख के बैठते थे। तो हम ऐसे ही अंधेरा करके बैठते थे, अंधेरा करके और साथ में लंच करते रहते थे, तो मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जब भी मैं भी ट्राई करती हूँ दिन में मैं ऑफ रखूँ लाइट और तब मैं मूवी देखूँ, तो मुझे उस खाने का तो और टेस्ट बढ़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल दीपिका राणा ब्लॉग्स। और आज है संडे और बच्चे घर में नहीं हैं, क्योंकि कल मैंने इंट्रो तो शूट किया था, सिस्टर्स आने वाली थी तो सिस्टर्स आई, जीजू आए, लंच हुआ और फिर शाम को वो लोग चले गए। तो मेरे जो ब्रदर है उसके बेटा कल 6 मंथ्स का हुआ है, तो उन्होंने सेलिब्रेशन थोड़ा सा करना था तो मुझे भी इनवाइट किया था, बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे संडे को कुछ काम है घर पे। सबसे पहले तो मुझे कपड़े वॉश करने हैं, उसके बाद थोड़ा सा मुझे सलोन जाना है, अपने हेयर कटिंग वटिंग करानी है, तो मैंने कहा अगर वहाँ जाऊँगी तो आने में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मैं नहीं गई। पर बच्चे नहीं माने तो वो अपनी मासी के साथ ही वो वहाँ चले गए, काफ़ी इंजॉय किया उन्होंने वहाँ पर। तो सिर्फ आज हस्बैंड और मैं हैं घर पर अकेले। तो अभी सुबह हो गई है और हम लेट ही उठे, और लेट उठ के अभी बस हमने बाहर देखा है तो दिल्ली में मोस्टली जगह इस टाइम पे सीवर की लाइंस चेंज हो रही हैं, तो जो वर्कर काम कर रहे हैं, गर्मी बाहर इतनी है, तो अभी मैं उनको थोड़ा कोल्ड ड्रिंक देके आई हूँ और अभी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, तो उनको
चाय दूंगी और उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। आज बच्चे नहीं है घर पे तो काफ़ी सूना सूना सा लग रहा है, एक थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। क्या होता है कि हर समय बच्चे होते हैं तो हम अपने पे फोकस ही नहीं कर पाते, और बच्चे भी हर समय हमारे साथ रहते हैं तो कभी कभी उनको भी होता है आउटिंग के लिए जाएं। मैं अपने कामों की वजह से कई बार आउटिंग के लिए नहीं जा पाती, तो फिर मैंने कहा कि मैं नहीं जा पा रही, एटलीस्ट बच्चे तो जाएं, और वो भी ज़िद कर ही रहे थे तो मैंने उन्हें भेज दिया। वो भी वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आज उनको संभालने की जिम्मेदारी नहीं है, तो बस अभी उनको चाय देके और फिर हम लग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने लगाने हैं कपड़े, फिर कब करेंगे कपड़े वॉश, और फिर जो जो आगे होगा वो आप मेरे साथ बने ही रहेंगे। ये ऐसे छोटे छोटे बाल, ऐसे ये जो बेबी हेयर्स हैं ये निकल गए हैं बहुत ज़्यादा। तो चाय खोल चुकी है अच्छे से, अब मैं डाल देती हूँ उसमें दूध। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका और मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए हैं, यहाँ साथ साथ कपड़े वॉश हो रहे हैं। आज हमारे घर के बाहर देखिए क्या बेचने वाला आया था, किस किस को इसका नाम पता है? वैसे इन्हें फाल से कहते हैं, मैं बचपन में बहुत खाए हैं फाल। चुका मेरा हेयर कट, और मुझे शॉर्ट ही चाहिए थे क्योंकि मैं ऑफिस जाने के टाइम पे मैनेज नहीं कर पाती हूँ लॉन्ग। अभी वैसे भी मेरे शॉर्ट ही थे पर वो भी मुझसे मैनेज नहीं हो रहे थे, तो अभी हो गए हैं शॉर्ट और मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताइए कमेंट में कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है। ऐसे डायरेक्ट अब जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए। और सारा शिवान को हम ले चुके, सारू हाय करो, इनको ले लिया अब हमने, और अभी हम पीने रुके हैं लस्सी। यू भी लस्सी पीनी है? मीठी मीठी नहीं मुझे भाई। कर जल्दी नीचे करना। नमस्ते नमस्ते। गाड़ी इतनी दूर खड़ी कर रखी है? एक मिनट भैया। हां रहने दे। नहीं नहीं हम घर की साइड जा, पैर तो छू दूं। हां पैर छू भैया। और सब बढ़िया? नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते। आई क्या हो रहा है मम्मी? ये आ रखे थे कल राहुल के बेटे का बर्थडे था, मतलब 6 महीने का हुआ है, तो सेलिब्रेशन ऐसे। अच्छा जी। तो मैं नहीं आ पाई थी तो भी लेने आए इनको। अच्छा चलो घर। और सब ठीक ठाक? हाँ जी भैया। हाँ जी अब जाने की तैयारी। चलो ठीक। और आप कैसे हो? बस ठीक है, ड्यूटी से आ रहा हूँ। अच्छा आज का बैलेंस संडे को छुट्टी नहीं होती? आज बैलेंस ही चल रही है मानी, 1 महीना हो गया। अच्छा तो 1 महीने से अभी छुट्टी नहीं है बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सूर्य निकल गया था। अच्छा तबियत ठीक है आपकी? तबियत ठीक नहीं है भाई। नहीं दर्द भी नहीं करना ना, घुटनों में दर्द रहता है।
बच्चों पता दौड़ने लग गया है, उसे भागदौड़ी मैंने बंद कर दिया। तो आजकल ये चीजें वगैरह सभी को ही हो गई है। हाँ, भारी भारी सा हो रहा था हिसाब किताब खाना, उसी हो गया थोड़ा। मैं तो वैसे तो ठीक ठाक था, मैं ऐसी परेशानी कोई है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। मेरा तू ये ये टिकट है, बाय करो, बाय 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 भैया। गुड्डो आप तो वीडियो बना रहे हो, आप मुझे लेके नहीं जाते। चिंचिना ग्रीन हो, हल्की हल्की, और बाकी में ब्लू ब्लू। ऐसी जीन्स लेनी है। ऑयल किसने लगाया आज आपको इतना? मामा ने। क्यों इतना ऑयल क्यों लगाया आपने? आते आते काफ़ी लेट हो गया है घर, तो हमने डिनर भी बाहर ही कर लिया है, क्योंकि घर आके बनाते तो बहुत लेट हो जाता। तो डिनर भी कर चुके हैं अब, तो अब हम बस घर जाके सो जाएंगे। और इस व्लॉग को भी फिर मैं अभी यहीं एंड करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड बाय, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।